हमारा जो टीचर पूरे साल काम करता है वो उम्मीद करता है कि हमारा सैलरी इंक्रीमेंट होगा, और यदि हम फीस नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा सैलरी इंक्रीमेंट दे पाना संभव नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का है, सीएनजी के रेट आप देख ही रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं, ये सब चीज़ों को देखते हुए कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों की बढ़ी है, तो उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए हमें इस इंक्रीज की हर साल जरूरत होती है। उस साल के दौरान जो बैकलॉग हुआ है पूरी चीज़ों का वो भी बड़ा टफ टाइम था। इस बार का भी जो इंक्रीज हम लोगों को मिला था वो भी काफ़ी लेट मिला था, उसमें भी हाई कोर्ट को अपना वर्ड देना पड़ा था क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था कि फिर से नहीं। अब हमारे टीचर्स को हम 3-3 साल तक सेम सैलरी पर काम नहीं कर सकते हैं। कोविड के संकट काल के बाद इस सत्र में स्कूल्स की फीस बढ़ाई गई थी और अब ये फैसला हुआ है कि अगले सत्र में भी फीस बढ़ाई जाएगी। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने ये फैसला किया है और एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल से हम बात करते हैं। सर, ये बताइए कि इस सत्र में तो फीस बढ़ाई गई थी स्कूल्स की, फिर नेक्स्ट सेशन में भी ये बढ़ाया जाएगा, तो ये फैसला क्यों किया गया है? क्योंकि अभिभावकों के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। नहीं मैम, आपने बिल्कुल सही बात बोली, अभिभावकों का कंसर्न है, फीस को लेकर रहता है, लेकिन स्कूलों के अपने खर्चे हैं और सबसे बड़ा सैलरी इंक्रीज की बात आती है। हमारा जो टीचर पूरे साल काम करता है वो उम्मीद करता है कि हमारा सैलरी इंक्रीमेंट होगा, और यदि हम फीस नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा सैलरी इंक्रीमेंट दे पाना संभव नहीं है। उसके साथ लगभग 40% के आसपास के अदर एक्सपेंडिचर्स हैं जिसमें स्टेशनरी मेजर कंपोनेंट है हर स्कूल में, तो वो और प्लस ट्रांसपोर्टेशन का है, सीएनजी के रेट आप देख ही रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं, ये सब चीज़ों को देखते हुए कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों की बढ़ी है, तो उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए हमें इस इंक्रीज की हर साल जरूरत होती है। और ये इंक्रीज बड़ा एब्रप्ट और रैंडम बेसिस पे हुआ करता था। तो कितनी फीस बढ़ेगी अगले सेशन में, क्या फैसला एसोसिएशन ने किया है? मैम, 11.5% का इंक्रीज 23-24 सेशन के लिए होगा, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। आपको क्या सरकार से इसकी मंजूरी मिल चुकी है या इसकी मंजूरी की जरूरत अलग अलग समय पर नहीं है? मैम देखिए, मंजूरी की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि फी रेगुलेशन एक्ट 2018 में जो यूपी गवर्नमेंट लेके आई थी उसमें क्लियरली मेंशन है ये चीज कि 5% प्लस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और उसका ईयरली एवरेज। तो इस बार का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ईयरली एवरेज की वैल्यू आई है दैट इज कमिंग 6.61 और 5% उसमें ऐड करते हैं तो 11.61 का इंक्रीज टोटल परमिसेबल है जो स्कूल बढ़ा सकते हैं, और इससे अधिक कोई भी स्कूल नहीं बढ़ाएगा ये एसोसिएशन इंश्योर करती है सारे पेरेंट्स को, और इससे कम कोई बढ़ाना चाहता है वो मैनेजमेंट का सोल डिस्क्रिप्शन है, वो अपने लेवल पर डिसाइड कर सकते हैं। एक और चिंता की बात ये होती है अभिभावकों की कि स्कूल्स क्वार्टरली फीस लेते हैं या हाफ ईयरली लेते हैं तो उसमें एक रूपता नहीं रहती, जिसकी वजह से एक साथ बहुत सारा पैसा देना पड़ता है फीस के रूप में, उस पर आप लोगों का कोई कंट्रोल है कि नहीं? देखिए, एसोसिएशन का ऐसा कंट्रोल नहीं है और फी रेगुलेशन एक्ट में भी पूरे साल की फीस एक साथ लेने की बाध्यता को रोका गया है कि पूरा एक साथ पूरे साल की फीस कोई भी स्कूल नहीं ले सकता, लेकिन वो क्वार्टरली या 6 मंथ के इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, ये रेगुलेशन में क्लियरली मेंशन है। और अब ये इंस्टीट्यूशन वो अपना डिसाइड करता है कि हमने मंथली फीस लेनी है या 2 मंथ्स की लेनी है या क्वार्टरली लेनी है। जनरली क्वार्टरली ही मैक्सिमम होती है, 6 मंथ की भी बहुत कम स्कूल्स हैं जहां पर ली जाती है, मंथली या 2 मंथ के बेसिस पर ही ज्यादातर स्कूलों में ली जाती है। यानी उत्तर प्रदेश के अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में फीस अगले सेशन में भी बढ़ना तय है? जी, उसकी आप मजबूरी कह लीजिए, जरूरत कह लीजिए, क्योंकि जो खर्चे हम लोगों को मीट आउट करने हैं, अपने टीचर्स को जो इंक्रीज देना है उसके लिए नेसेसिटी है। और कोविड के 2 साल के दौरान जो बैकलॉग हुआ है पूरी चीज़ों का वो भी बड़ा टफ टाइम था। इस बार का भी जो इंक्रीज हम लोगों को मिला था वो भी काफ़ी लेट मिला था, उसमें भी हाई कोर्ट को अपना वर्ड देना पड़ा था क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था कि फिर से नहीं। अब हमारे टीचर्स को हम 3-3 साल तक सेम सैलरी पर काम नहीं कर सकते हैं, और हम लोग इंक्रीज तभी कर पाएंगे जब हमारे पास फीस का इनपुट है, क्योंकि फीस के अलावा कोई हेड इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। तो एसोसिएशन के अपने तर्क हैं, लेकिन इतना तय है कि अभिभावकों के लिए एक चिंता की बात यह है कि इस सेशन में फीस बढ़ी थी, लेकिन अगले सेशन में फिर से प्राइवेट और अनएडेड जो स्कूल्स हैं उनकी फीस बढ़ेगी। इसके लिए जो फॉर्मेट है वो भी तय कर लिया गया है, और ये एसोसिएशन का कहना है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अनुसार ही ये बढ़ाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।